Assalamualaikum everyone, you are watching Appetitive Eats. आज हम जबरदस्त से मजेदार चुपली कबाब बनाने वाले हैं। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। इसके लिए हमें कीमा चाहिए आधा किलो और उसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है। उसके बाद प्याज चाहिए 1 कप, बेसन चाहिए 3 चम्मच, मिंट लीव्स चाहिए 2 चम्मच, टमाटर चाहिए 1 कप और कोरिएंडर यानी धनिया चाहिए हमें 2 से 3 चम्मच। अब एक एक करके आप इसमें चीज़ें डालते जाएं। प्याज डाले हैं यहाँ मैंने। अब इसमें पुदीना जाएगा, टमाटर और इसमें जाएगा धनिया। आखिर में मैं इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। स्पाइसेस में इसमें नमक जाएगा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, गरम मसाला जाएगा और 1 अदद अंडा जाएगा। नमक आपने हस्बे जायका इसमें शामिल करना है। हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून। और अंडे को आप तोड़ के इसके अंदर डाल दें। अब आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसको 15 मिनट के लिए रख दें। अब आपने इसके कबाब बना लेने हैं। थोड़े पतले रखिएगा और थोड़ा बड़ा रखिएगा। तवे पे आप ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से गर्म करके एक एक करके इसके ऊपर चपली कबाब डालते जाएं। यहाँ मैं दूसरा भी डाल रही हूँ। एक साइड जब अच्छे से कुक हो जाए तो इसको पलट दें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करें। लें जी आपके मजेदार झटपट चपली कबाब तैयार। प्रेजेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।